मुनु सिलो मज्जा ने दुख कष्ट ने ये आवाम रीन लाइन दो एमरिन में गो दिव दुलु सब का ग्राम मेंबर है पंचायत ग्राम मेंबर बीजेपी कैंडिडेट कार्यक्रम ना था एमरिन में गो सिलो नून हमने अरुणाचल गवर्नमेंट में इन्हीं को इनफॉरमेशन हमें देना चाहूँगा इसलिए मेरा रास्ता आज तक ऐसा है अरुणाचल गवर्नमेंट पेमा कंदू कहाँ में डेवलप हुआ हमको आज तक पता नहीं चला। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ता हूँ और मेरा जगह धीव विलेज है गेटसी सर्कुल और ये मैं कार्दोनिगर एमएलए का कंस्टिट्यूसी का ग्राम बीजेपी कैंडिडेट हूँ ग्राम मेंबर और अनकंटेस्ट। मेरा जगह आज तक ऐसा डेवलप नहीं। ये मेरा एक बहू है दाफी नादा इसको हम लोग बहुत तकलीफ से कंधे में उतार के ले जा रहा हूँ। अभी नदी को पार करने के लिए हैंगिंग ब्रिज नहीं है कुछ भी नहीं है। ये 2 महीना बीमार होके पर चुका है इसलिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम में यहाँ निकल नहीं सका इसलिए आज थोड़ा सा धूप है। ये नदी को अभी कैसा होगा पार कर सकेगा ना नहीं सकेगा अभी हम लोग का लोकल में सीपी बोलता है इसको नाव से हम लोग बना के बाम्बू से हम लोग ये हमारा बहु ये दापी नादा को हम लोग ये नदी को पार करने जा रहा है इसलिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पेमा सरकार आपको निवेदन करता हूँ आप जैसे भी ये तकलीफ और दर्द को देखने से ठीक है और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी साहब आपको भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आप जैसे भी ये हालत को देखना चाहिए और ये किरण रिजिजू हमारा अरुणाचल का वेस्ट पार्लियामेंट्री एमपी किरण साहब आप भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक है आपको भी बहुत देख देख के हम लोग थक चुका है। अब जब ये एमपी हमारा वेस्ट पार्लियामेंट में एमपी कैंडिडेट बना तब से हमारा दी बस्ती काफी एकदम एब्सोल्यूट वोट दे चुका है कभी तभी भी आज तक हमारा दीव गांव में आपका थोड़ा भी इंफॉर्मेशन नहीं है आप हम लोग को ध्यान नहीं है वो बहुत में सिर्फ ध्यान है। किरण साहब आपको भी हम रिक्वेस्ट है जैसे भी आप ध्यान देने से दिखे थैंक यू। हमारा देवबस्ती का रास्ता इस प्रकार है ये हमें आदमी ले जाने से हम लोग ये रास्ता इस प्रकार हम लोग बना के लेके जाना पड़ता है और नॉर्मली जाने से हम लोग कहीं से हम लोग जहाँ तहाँ से पकड़ के हम लोग जा सकता है लेकिन आज नदी भरा होने के कारण हम लोग का सीढ़ी एरी को पूरा उठा लिया इसलिए हम लोग सीढ़ी बना बना के पूरा लेके जा रहा हूँ। हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो के हम लोग ये रास्ता रिस्क लेना पड़ रहा है। देखिए हमारा जनता देखिए अरुणाचल का जनता देखिए तो हमारा बस्ती ऐसा स्थिति है कि हमारा लोअर सियांग पंचायत लिकावली कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है तो हमारा सरकार हमेशा यही कहता है कि हम करप्शन का जीरो टॉलरेंस है ठीक है जीरो टॉलरेंस है लेकिन हमारा अरुणाचल में जितना तक पान करता है जनता से पांडिंग करता है लेकिन हमारा अरुणाचल में एक एक जगह में टोटली डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है इसलिए हम लोग का जो अरुणाचल का जनता का भी यही गुस्सा है कि जो अभी का जो मुद्दा उठा था गवर्नमेंट का अगेंस्ट में तो हमारा तरफ में तो ये सही उठाता है देखिए हमारा बस्ती में एक डेवलपमेंट में नहीं आ रहा है। देखिए अभी 2 दिन हो गया 2 दिन पैदल मार रहे आदमी को ऐसा ले जा रहे आप देखिए तो आप बोलते हैं कि हमारा अरुणाचल में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है बोलते हैं पेमा खांडू तो आपका डेवलपमेंट कहाँ कर रहा है ये नहीं तो डेवलपमेंट कर रहा ही नहीं है ये देखिए आप ये डेवलपमेंट है क्या आदमी को तीन दिन चार दिन पैदल ले जाना रास्ता ले जाना आपका डेवलपमेंट ये है कहाँ से डेवलपमेंट आप बताइए कि हाँ आपका डेवलपमेंट कहाँ है आप एमएलए को पूछिए आप एमएलए को बोलिए आप एमएलए अपना एमएलए को डेवलपमेंट देता होगा शायद एमएलए नहीं दे रहे क्या तो आप बोलते हैं देता है बोलता है तो आप अपना एमएलए को पूछिए अपना कौन सी चीज़ का कौन कौन जगह में इंजोर जगह है अब हर जगह में सेंटर इतना स्कीम देता है अरुणाचल के लिए जहाँ में इंजोर जगह है वहाँ में डेवलपमेंट देता है लेकिन अरुणाचल में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है आप बोलते हैं हमारा अरुणाचल में डेवलप काफ़ी है ज़्यादा हो गया बोल रहा है तो ज़्यादा हो गया तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है हम लोग तो दिखाई दे रहा ही नहीं है देखिए ये है क्या डेवलपमेंट अरुणाचल का एक नंबर रोड देखिए ये एक नंबर रोड है उनका दीपक दून है बड़ा उपाय कामा दे बड़ा उपाय कामा।
अभी अभी ये नाव से पार करने जा रहा है हमारा लीवे गांव की रास्ता। आप सबने देखिए अरुणाचल देखिए, आज तक कैसे बहुत बैकवर्ड एरिया है। 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पड़ता है ये गेंसी सर्कल, गेंसी सर्कल अंदर में पड़ता है।